सो मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। सो अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक पढ़ा था काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn urms स्क्वायर। क्या पढ़ा था? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn urms स्क्वायर। और हमने पढ़ा था u एवरेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/π RT/m। यू आर एम एस 3 RT/m, यू एम पी 2 RT/m, लाइक दैट। सर यू मतलब स्पीड ना, यू मतलब तो फिर अगर यू के बजाय वी लिखे तो फिर क्या होगा? फॉर्मूले चेंज फिर भी होंगे सेम फॉर्मूला में? नहीं, वी और यू स्पीड ही है, दोनों यहाँ पे सेम है। नहीं मतलब वेलोसिटी अगर की तो नहीं, फिर यहाँ पे सेम, वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेते हम लोग, सिर्फ एक आया था मैग्नीट्यूड। ना क्वेश्चन, कहाँ पे? एक अच्छा, क्वेश्चन आया था असाइनमेंट 2 लेवल 1 में। तो उसको देखेंगे क्या है उसमें कुछ। अगर मान लो जैसे वेलोसिटी लिखा है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और स्पीड जो है उसमें सिर्फ क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है? वेलोसिटी में दोनों चीजें हैं। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। अब हम लोग लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ यू आर एम एस स्पीड फॉर्मूला। यू आर एम एस का मतलब स्पीड ही, फिर भी लिख दिया, यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, एम क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इस तरीके से। हम लिखेंगे इफ देयर आर वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द सैंपल, अगर मॉलिक्यूल्स एनए हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एनए यू आर एम स्क्वायर। एन की जगह पे कितना हो जाएगा? एनए, बिकॉज वन मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अच्छा, अगर मैं तुमको ध्यान दिलाऊं तो एम इंटू एनए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मास ऑफ एनए मॉलिक्यूल्स कितना होगा? मोलर मास के बराबर, इज इक्वल टू मोलर मास। तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल एम यू आर एम स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला कितने के लिए बन गया? फॉर वन मोल गैस। कितने के लिए फॉर्मूला है ये? फॉर वन मोल गैस। इफ वी हैव एन मोल गैस, अगर हमारे पास क्या है?
एन मोल गैस है तो हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू 1/3। ये जो हमारे पास फॉर्मूला ऊपर का आया है ये कितने के लिए है, एन मोल ऑफ गैसेस के लिए। अगर हमारे पास गैस कितनी है एन मोल, तो हम क्या लिख देंगे, एन इंटू कैपिटल एम इंटू यू आर एम स्क्वायर। कितने के लिए हो जाएगा ये, फॉर एन मोल गैस। तो दो टाइप के फॉर्मूले हैं, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने चेंज करके किसके टर्म में ला दिया, ये जो फॉर्मूला था ये मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में था, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये मोल्स के टर्म्स में है। तो ये जिससे जैसे ही तुम्हारा नोट हो जाए तो मुझे बताना। यहाँ तक तो लिख लिया था, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके सर। सर नीचे करो ना। यस अभी करते हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा है सबका नोट हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रथमेश तुमने अभी बोला था ऊपर करो, तुम्हारा हो जाए बता देना। ओके सर। अभी इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज या केमिकल बाउंडिंग में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। हाँ सर। अब ये नीचे लिखो थोड़ा सा। हाँ सर बस। जल्दी जल्दी नोट करें। नीचे ले लीजिएगा। ओके आगे बढ़े। ओके सर। हाँ बोलो। आप एक बार बता सकते हो काइनेमेटिक एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है? वो टेम्परेचर के आगे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है फॉर द आइडियल गैस। पीवी इक्वल टू कितना आया है, 1/3 एन इंटू एम यू आर एम एस स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि फॉर आइडियल गैस, इसी के नीचे लिखना है फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या होता है बोलो, एन आर टी होता है कि नहीं, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इसको इसमें पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में,
तो क्या आएगा, एन आर टी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एन इन टू एम यू आर एम एस स्क्वायर। एन एन मोल गैस के लिए इक्वेशन लिखिए, ये वाली गैस एन मोल ऑफ गैस के लिए लिखिए, ऊपर वाली भी इक्वेशन एन मोल ऑफ गैस के लिए लिखी हुई है, ठीक है। दोनों ही जो चीजें हैं वो एन मोल ऑफ गैस के लिए हमने लिख के रखी हुई हैं। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों इक्वेशन ही हमारी एन मोल ऑफ गैस के लिए लिखी हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्यों? बिकॉज स्क्रीन गई। अच्छा अभी ऑन कर देता हूँ, रुक जाओ। ओके स्क्रीन अभी आ जाएगी। अच्छा अभी देखो स्क्रीन सबको आ रही है सर? यस सर। एनएन कैंसिल होंगे? यस एनएन कैंसिल होंगे, मोल्स हैं गैस के। यहां से बताओ यूआरएमएस का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या बनेगा, इधर ले जाओ थ्री को, तो आएगा थ्री आरटी बाई कैपिटल एम आरटी बाई एम। यूआरएमएस क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आर टी बाई एम। गॉट इट? तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर यू आर एम एस स्पीड, ठीक है। तो इसको भी नोट करें जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं। सर मतलब ये तो बस फॉर्मूला का डेरिवेशन था? हाँ वो लिखा था ना डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ऊपर नहीं लिखा था? ओके सर, ओके सर, हाँ सर, एकदम ऊपर दिखा था। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे रहे हैं ए, इसका यूज करेंगे आगे। ये वाला पेज हो गया? यस सर। ओके जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए। पूरा हमारा पूरा हो गया, बाकी लोग पूरा लेफ्ट समीक्षा का भी हो गया, वेरी गुड। ओके अच्छा कुछ बचा है? ओके किसी का बच्चा होगा तो बता सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना, हम लोग उसको कॉपी करवा लेंगे। अच्छा अगेन यूजिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए क्या थी बोलो, मतलब प्रथमेश का भी हो गया ना इसलिए हैंड रेज कर रहा। सर वो गलती से हो गया हैंड रेज। ओके यही है इक्वेशन ए, देखो सारे लोग अपने बुक में यही लिखी हुई है, सबको याद है। एन क्या है बताओ, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। हाँ कैपिटल एम क्या है? मोलर मास। मोलर मास, वेरी गुड। अच्छा यूजिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सबको पता है कि नहीं ये फॉर्मूला, सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं, है ना? इंपॉर्टेंट क्या है फॉर
स्पीड इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वी हैव टू यूज URMS ऑलवेज, ठीक है, कन्वेंशनली हमेशा कौन सी वाली स्पीड लेनी है बताओ, बोलिए कौन सी स्पीड लेनी है हमेशा, एवरेज वाले URMS लेनी है। ओके वेरी गुड। अब मास कितना है बताओ, मास यहाँ पे ये तो मास है n, मास n इंटू कैपिटल m, n इंटू कैपिटल m क्या है, मास ऑफ n मोल ऑफ गैस। सो pv इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 n इंटू कैपिटल m इंटू URMS स्क्वायर। ओके अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो 2/3 इंटू 1/2 इंटू एन इंटू एम इंटू URMS स्क्वायर। एनी डाउट्स टिल नाउ, किसी को कोई डाउट है, बोलिए। काइनेटिक सर, वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इक्वेशन है, हाँ सर, उसका जो इक्वेशन आपने डिराइव किया है ना, उसमें URMS स्क्वायर कैसे आया, वो तो वेलोसिटी का स्क्वायर रहता है ना। हाँ तो ये वेलोसिटी है ना, URMS हमारी वेलोसिटी नहीं है क्या, क्या है ये, ओके सर, स्पीड या वेलोसिटी रहता है ना उसमें, हाफ एम एस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अच्छा अब जिसको डाउट होगा वो खुद पूछ लेगा, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर बना के, हाफ मास इनटू ये क्या है हमारा मास, ये क्या है मास ऑफ एन मोल गैस है कि नहीं है ये, यस सर। तो हम पूरा क्या लिख देंगे, पीवी इक्वल टू 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 3/2 पीवी। क्या समझ में आया यहां तक, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बी मान लो। बताओ पीवी इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है बोलो, एनआरटी। यस, तो ये फॉर्मूला है सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एन मोल ऑफ गैस फॉर्मूला ये होगा, इफ n इक्वल टू 1 तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 3/2 RT। हेंस वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी, और इसको और भी क्या बोलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके proportional to its absolute temperature। डिपेंड करता है क्या, गैस के मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है, अगर मोल सेम है नहीं डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला देखो क्या मोलर मास आ रहा है फॉर्मूले में, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, For given moles of gas, kinetic energy does not depend on the, किस पे डिपेंड नहीं करती बोलो, मोलर मास पे। समझ में आया सबको, क्या मोलर मास पे डिपेंड करेगा, अच्छा बताओ 1 मोल हाइड्रोजन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 मोल O2 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जल्दी बोलिए, दोनों की सेम रहेगी ना,
यस सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ, ये दोनों बराबर रहेंगे। समझ में आया फॉर्मूले से? नोट करें। यस सर। कहाँ से नोट करें? टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल है। यस मोथ तो सेम है। चलिए नोट करिए, सॉरी यहां से था। किसी भी बच्चे को इसमें एक भी परसेंट का डाउट नहीं होना चाहिए। यस प्रणव। आगे बढ़ाएं। यस यस एक बच्चे ने पूछा ना अभी कि ऊपर चाहिए उसको थोड़ा लिखना है, सो यू हैव टू वेट फॉर अदर्स आल्सो। हो गया? यस सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 14 ग्राम नाइट्रोजन एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके वायस लैग हो रहा है,
ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में उसको भी करेक्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, प्राची सिन्हा बहुत लेट ज्वाइन कर रही बच्ची है। क्या आंसर आया कमेंट बॉक्स में, क्या मैं जान सकता हूँ? सुनो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3/2 nRT। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इफ मोल्स आर सेम, बट यहाँ पे चूंकि गैस के मास दिए हैं तो मोलर मास से डिवाइड भी करना पड़ेगा फॉर द मोल्स। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना है? 327 प्लस 273 तो 600 केल्विन। ये मोल्स 1/2 आएंगे तो 3/4 इंटू 600 इंटू 8.314 ये आंसर आएगा जूल्स में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो देख सकते हैं आप क्या आंसर आएगा, 3/4 इंटू 600 और आगे कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा, 3741.3 जूल्स, किलो जूल में 3.7 किलो जूल आ जाएगा। अच्छा, एक और तरीका है, कई बार ऑप्शन में कैलोरी में आंसर दिया होता है, किस में आंसर दिया होता है? कैलोरीज में, उसको भी निकालेंगे अभी, पहले इसको नोट करो। सबका नोट हो गया ये क्वेश्चन? ओके इफ वी हैव टू सॉल्व काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरीज देन, तो बताओ आर की वैल्यू कितने लेंगे? देन यूज आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो फॉर्मूला वही रहेगा, 3/2 nRT ही फॉर्मूला रहेगा। मोल्स हाफ हैं, आर की वैल्यू 2 है और ये है 600। तो कितना आसान से आंसर आएगा देखना, 2 से 2 कैंसिल, 300 और 900, तो 900 कैलोरी आंसर आएगा। तो ज़्यादातर आंसर कैलोरी में लिखे होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये इसलिए मैंने तुमको बताया क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार कैलोरी में ऑप्शन दिया होता है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो याद रखना कैलोरी के अंदर आंसर दिया होगा। यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू याद रखनी है। हाँ, अगर जूल्स में आंसर दिया है देन आर की वैल्यू 8.314 लेनी है।
सर पर आपने कैलोरीज में तो 1.98 दी थी। 1.98 या 2 भी लिखा था मैंने, याद करो वहां पे लिखा था ना, 2 भी लिखा। यस सर, हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि तुम जितने भी पेपर दोगे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होंगे, तो उसमें आर की वैल्यू दी रहेगी, जो आर की वैल्यू दी रहेगी वही यूज करनी है ऐसे क्वेश्चंस में जिसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते। नीट में तो ऐसा कोई है नहीं, नीट में तो सारे सवाल ऑप्शनल होते हैं, बट जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, उसके अंदर आर की वैल्यू ऑप्शन के बेसिस पे तुम्हें लेनी है, और जो इंटीजर सवाल है उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा आर की वैल्यू क्या लेनी है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आर की वैल्यू वो खुद देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लिखो। If the RMS speed of O2 at a given temperature T is U, then find the value of kinetic energy of 1 mole of gas at this temperature in terms of U. कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान सवाल है, काफी इसको अजीब करके लिखा हुआ है। हाँ बोलो आंसर्स। सर इस क्वेश्चन में आर किसमें लेंगे? इसमें आर, इसमें आर की वैल्यू तुम जो भी तुम्हारा माने वो ले लो, बट मुझे आंसर यूनिट के साथ चाहिए। ओके सर, देखो क्या उसमें आर आता है कि कैंसिल हो जाता है। अगर आर आता है तो आर के टर्म्स में लिख सकते हो, आर की वैल्यू नहीं डालो, इन टर्म्स ऑफ आर ले लो। सर वो जो यू दिया है वो केल्विन में दिया है? यू, यू तो वेलोसिटी स्पीड है। नहीं नहीं सर, टेम्परेचर इज यू दिया है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर टी, टी दिया हुआ है। ओके सर, तो टी जो है वो केल्विन में ही है, केल्विन। तुम्हारे पास दो तरीके हैं, देखो चूंकि 16 UT, ओके
अभी चेक करते हैं सॉल्यूशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो होता है 3/2 एनआरटी, फॉर्मूला है, 1 मोल गैस है ना। अब अगर टी के टर्म्स में पूछता है, टी का टर्म तो यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट यू का टर्म जरूर आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। तो 1 मोल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 आरटी। बट इस फॉर्मूले में कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी यू नहीं आ रहा है, हमें यू लाना है कैसे भी लाएं। हाँ जी, हमें कहीं पे भी यू लाना है। यू आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m, ठीक है। तो यू आर एम एस इसकी वैल्यू है यू, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 RT/m। तो m u स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 3 RT। तो RT की जगह हम कितना लिख सकते हैं, mu स्क्वायर बाई थ्री लिख सकते हैं RT की जगह पे। और इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 3/2 R की जगह पे कितना लिख देंगे, ये RT की जगह पे कितना लिख देंगे, m u स्क्वायर बाई थ्री। लेकिन हमें पता है कि m ये किस में है, ग्राम में होता है मोलर मास, लेकिन हमको किस में लेना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 mu स्क्वायर। बताओ यही तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो तुम डायरेक्ट भी क्या लिख सकते थे, 1/2 mu स्क्वायर, बट वहां तुम्हें क्या यूज करना पड़ता, 1/2 mu स्क्वायर जो है फॉर्मूला, ये यू आर एम एस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, यू आर एम एस के लिए। तो 1/2 m जो है वो किस में लेना है हमको, किलोग्राम में। 1 मोल का मास कितना होता है, 32 × 10⁻³, ये लेना पड़ेगा। और यू आर एम एस की जगह कितना है u, तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 16 × 10⁻³ u² इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी m की वैल्यू डाल दोगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो 16 × 10⁻³ u² ये आंसर आना चाहिए। तो इसको नोट कर रहे हो तुमने किस तरीके से सॉल्व किया है, तुम्हें u लाना था, क्या u ला पाए तुम सब्स्टिट्यूशन करके, देखो कहां पे तुमने गलत किया है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट को यहाँ पे पिक्चर के अंदर लाते हैं। सुनिए ध्यान से, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी, ठीक है, फॉर एन मोल गैस, इतना याद है हम। बताओ काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल गैस कितना होगा, 3/2 आर टी, एन इक्वल टू 1। सो ये काइनेटिक एनर्जी कितने के लिए है, फॉर 1 मोल गैस। हेंस काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितनी होगी, बताओ किससे निकालेंगे, ये n मोल के लिए है, इसमें कितने से डिवाइड कर देंगे, बोलो बोलो जितनी जल्दी बोलो,
एनए से, एनए से डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, 3/2 आर अपॉन एनए इंटू टी। ये एक नया कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, के टी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है, आर अपॉन एनए। के को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के की वैल्यू कितनी होती है, आर अपॉन एनए। अगर मुझे आर अपॉन एनए की वैल्यू निकालनी है जूल के अंदर में फॉर्मूले में, तो हम क्या क्या करेंगे, उसको एनए की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा के 1.38 इंटू 10^-23 और क्या आएगा फॉर्मूला, जूल केल्विन इनवर्स मॉलिक्यूल इनवर्स पर मॉलिक्यूल। आर होता है पर मोल, के क्या होता है पर मॉलिक्यूल। आर की वैल्यू 8.314 जूल होती है, के की वैल्यू क्या होगी 1.38 × 10^-23। ध्यान रखेंगे इस बात का, तो जल्दी से नोट करें इसको। 3/2 केटी फॉर्मूला किसके लिए हो गया बताओ, मॉलिक्यूल के लिए। अगर तुम्हारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। n kt। हाँ तो मैं इसको बढ़ा देता हूं आगे। इफ वी हैव n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 एन के टी। यहाँ पे n क्या है बोलो, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या याद रखेंगे, n जब k के साथ होता है तो वो क्या बोलता है बोलो प्रथमेश, अगर k के साथ n आए तो उसका मतलब क्या है, व्हाट इज n देन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर n, और अगर n r के साथ है तो वो n क्या डिनोट करेगा बोलो जल्दी, मोल्स। यस, नंबर ऑफ मोल्स, इसको नोट करें जल्दी से। यस यस करेक्ट है, बाकी बच्चों को समझ में आ गया, हिमांश? हाँ जी, सबको समझ में आ गया सर, थोड़ा ऊपर कीजिए। कहाँ पे, कौन सा? हाँ सर बराबर है, ये वाला ही सर। वेरी गुड, सर थोड़ा नीचे, सबका हो गया, और नीचे नहीं। बाकी बच्चे सर थोड़ा ऊपर करो। ओके सर, आपका आवाज और आवाज थोड़ा बीच बीच में कट रहा है और स्क्रीन भी स्टक हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही साफ साफ? नहीं सर दिख रही है, पर आप ऊपर नीचे करते वक्त थोड़ी स्टक हो रही है, मतलब ज्यादा 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 ऊपर नीचे एकदम से नहीं जाती, क्या फ्लो नहीं अच्छा सर? हाँ सर, और आप लिखते वक्त भी थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। जो लिखने लिखने वाला क्या? हाँ सर। अच्छा साउंड प्रॉपर है क्या सर? थोड़ा थोड़ा खराब है, मतलब ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
ब्रेक हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक 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 समझ रहा है, पर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा सर नीचे कर। हाँ जी, फॉर्मूले याद हो गए? एनी डाउट्स इन फॉर्मूलाज? नो सर। थ्री बाय टू एन के टी में एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन है देखो, इफ द स्पीड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ओ टू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 25 degree centigrade. क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा ऊपर की आंसर। कौन सा वाला? फॉर्मूला वाला? हाँ जी, तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला ना उसका वो लाइन। हाँ सर, यहाँ पे ऐसा मिल गया। जी ये नीचे वाला हो गया सर। डन। एनी रिमेनिंग? What is the answer? अपने आप कर लो। हो गया आंसर निकाले? देखिए, हमें पता है गैस के नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैंने स्पीड दे दी है, चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैं सोच रहा था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पूछ दिया तो दिखा तो और आसान हो गया। स्पीड लिख दिया, अच्छा तो मैंने समझ में आ रहा होगा क्या। सॉरी सॉरी, इसको एनर्जी कर लो, उसके बाद सॉल्व करो। इसीलिए कंफ्यूज थे क्या? यस सर। एनर्जी कर, अच्छा तुम सोच रहे हो कि आरएमएस है कि एवरेज है, ऐसा कुछ? अच्छा ठीक है, एनर्जी करके सॉल्व करो। कन्वेंशन तो आपने आरएमएस ही बोला है। हाँ तो आरएमएस, आरएमएस निकाला होगा तो अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होगा कि स्पीड में तीनों है ना, तो कोई ना कोई दिया होगा। हम काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं, ठीक है आप सॉल्व करें। Thank you.
To he, yes, very good. Sir, answer 5 point something आ रहा है क्या? 5 point something आ रहा है क्या? नहीं नहीं, e के terms में निकालना है ना. देखो, kinetic energy O2 की कितनी होगी? 3/2 n kT. Formula याद है? और ये कितना है? 25 + 273. ये फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, 3/2 के इंटू 298. ये और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन टू 3/2, एन की वैल्यू कितनी? 2. टेम्परेचर वही 298. क्या फर्क है दोनों में बताओ? ये वैल्यू कितनी है? ई. तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3/2 के इंटू 298, और ये वैल्यू ई है कि नहीं है? तो आंसर कितना आएगा? 2e. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो. क्यों बोलेंगे? कि फॉर्मूला है 3/2 एन के टी, और हमने मॉलिक्यूल कितना किया है? डबल. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल, बिकॉज टेम्परेचर क्या है? सेम. और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता नहीं है. ऐसे कितने लोग ने सॉल्व किया विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन? प्रथम ने तो किया है, निशिगंधा ने किया है, और मिताली ने किया है, आर्यन, दक्ष. दक्ष ने किया क्या? अच्छा, वो आज नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं. आगे बढ़ा दें. 2 minutes, sir. दो मिनट रुक जाऊं? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर, हो गया. वेरी गुड. अच्छा, डन सर. अच्छा, हो गया. अब देखो, आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन इस पे और सॉल्व कर लेते हैं बस. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन कैलोरीज. आप कैसे करोगे? जैसे सवाल मुझे मैं बताना. Thank you.
मैं तो तुम्हें दिखाता हूँ आंसर गैस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। तो देखिए सॉल्यूशन लिखना है इसमें और फॉर्मूला लगा देना है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 एन के टी का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? 3/2 एन के टी। अब ध्यान रखना है एन की वैल्यू तो 10 लिख दोगे बट के होता है आर अपॉन एन ए और हमें आर लेना है कैलोरी में, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ऐसे सवाल एग्जाम्स में आ जाते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, तो 2 कैलोरी ले लेना है यहाँ पे, लेकिन एन की वैल्यू कितनी है इस तरीके की वैल्यू है। अच्छी बात। उसके बाद 30 × 300 / 0.022 × 10⁻²³, ये कैलोरी में आंसर आएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये 9 लिख लेना, ये 6.022 और ये पावर कितनी हो गई, 3 पावर हो गई, तो 10⁻²³ + 10⁻²⁰ कैलोरी हो जाएगा। तो 9.6 × 6.022 कितना हो गया 1.49 × 10⁻²⁰ कैलोरी काटने आ जाएगी। भाई इसको करना तो आना चाहिए यार, तुम लोग को 10th क्लास में पढ़ा होगा ऐसे करना। कितने लोग ने कर लिया कैलकुलेशन? किसी का आंसर नहीं मिला एक्चुअली मुझे, दैट इज डिसअपॉइंटिंग। प्लीज ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू यूज कैलकुलेशन। अच्छी बात है कि कैलकुलेटर यूज नहीं करो। ओके क्या नहीं कर पाए? आगे बढ़ जाएं। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या प्रथम? तो पहले बंद हो गई थी अब आई ना। हाँ वो कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो मॉलिक्यूलर स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल्ट्जमैन ने एक तरीका दिया। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखा देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट सेम इन अ गैस सैंपल। सही बात है, ये तुमको केटीजी से पता ही है, अलग अलग स्पीड होती है। स्पीड ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट कॉन्स्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, बट द स्पीड ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन
given fraction of molecules is constant at constant temperature. मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 100 molecules है, ये बात मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूँ, मैक्सवेल फिर से समझ लो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है मान लो इसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, ये भी आगे बढ़ता है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आगे कहीं पे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो ये अपनी स्पीड को क्या करेगा, अपनी स्पीड को चेंज करेगा, इसकी स्पीड कम ज्यादा होगी। बट एक बात ध्यान रखना, ये स्पीड अगर कम कर रहा है तो किसी मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा भी हो रही होगी। मान लो एक गिवन कंडीशन में 40% मॉलिक्यूल की स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड और 50% मॉलिक्यूल की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड और 10% मॉलिक्यूल की स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात ध्यान सुनना, तो ये जो 40% मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा एक जैसे वाले नहीं रहेंगे, हो सकता है पहले कुछ अलग 40% मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ सुनो, इधर सुनो, इधर जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, फिर लिखने का टाइम मिलेगा। आर्यन इधर सुनो, तो 40% जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो स्पीड है कितनी, 400 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है कहने का, कि मतलब जो 40% मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड इतनी रहती है, लेकिन उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है ये श्योर नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है पहले ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इसमें लाई करता है, लेकिन मान लो पहले 300 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज हो। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही? ओके, वॉइस ब्रेकिंग। ओके ओके, अभी ऑडिबल हूं? एनी डाउट इन वॉइस, एनी वॉइस लैगिंग? नो सर, नो सर। सर जो आपने अभी समझा वापस समझाना, आपका आवाज गया था। पहले पॉइंट नंबर वन पढ़ो मेरे साथ। पहला पॉइंट क्या लिखा है बोलो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट सेम इन अ गैस सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ बताओगे, कि हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड एक जैसी नहीं होती है, स्पीड्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। विजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट कॉन्स्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है इंडिविजुअल की, किसी एक मान लो इसको ले लिया हमने रेड वाला मॉलिक्यूल, मैंने बोला कि एक रेड मॉलिक्यूल है, इस पे हम लोग को ट्रेस करना है इसको, इसकी स्पीड मान लो पहले कुछ पर्टिकुलर स्पीड थी, तो इसकी स्पीड क्या होगी फिर कम। फिर यहाँ आया, इससे कोलाइड किया, इधर चला गया, फिर इससे कोलाइड किया, फिर इससे कोलाइड किया, इसे इस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाएगी। हाँ अभी अभी बच्चों ने बोला है कि आवाज आ रही, फिर से आवाज नहीं आ रही किसी को, क्या सब बीच में चला गया था आपका पूरा आवाज? फिर से रिपीट करूं, सुनो, जो रेड मॉलिक्यूल, मान लो एक मॉलिक्यूल को मैंने ट्रेस करना है, अच्छा क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा, उसके पहले नोट कर लो। फिर से नहीं आ रहा है सर, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है।
ओके नोट दिस टू पॉइंट्स फर्स्ट देन वी विल मूव फॉरवर्ड. हेलो क्या मैं ऑडिबल हूँ एवरीवन? यस सर. अच्छा कुछ लोगों को आवाज मेरी जा रही है कुछ को आ रही है ऐसा है क्या? क्या ये नहीं दोनों पॉइंट क्या ये दोनों पॉइंट नोट हो गए? यस सर. तो आज होमवर्क का डेट था, होमवर्क सबमिशन नहीं किया तुम लोगों ने क्या? टुडे वाज द लास्ट डे फॉर द स्पीड ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट कांस्टेंट. हाँ वो सेकंड पॉइंट ना, क्या लिखा है? स्पीड ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट कांस्टेंट, मतलब अकेला जो मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है. मान लो ये रेड पॉइंट है तो ये कोलिजन करेगा, स्पीड बदल जाएगी. इसकी स्पीड मान लो कम हो गई तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? किसी इस मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी तो किसी की ज्यादा होगी. लेकिन परसेंटेज मॉलिक्यूल्स के जो होंगे उनकी स्पीड हमेशा कितनी रहेगी? टेम्परेचर अगर टी है तो 40% की स्पीड इतनी रहेगी, 50% की स्पीड इतनी ही रहेगी और 10% की स्पीड इतनी ही रहेगी. इसमें डिफरेंस नहीं आएगा गिवन टेम्परेचर पे. अगर गिवन टेम्परेचर है तो हमको याद रखना है कि गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो सेम रहेगी, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो हैं, इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक उठा लो, इसकी स्पीड धीरे धीरे चेंज होगी. मान लो इसकी स्पीड कभी 200 थी, कभी 300, कभी 500, ऐसे. मान लो इसकी स्पीड जब ज्यादा हो रही होगी तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड कम भी हो रही होगी, लेकिन हमारे पास ओवरऑल जो है वो एवरेज स्पीड सेम रहेगी गिवन टेम्परेचर पे, है ना? इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 बॉल्स हैं, है ना? ये 6 हो गई, 8 और 10. अब इन बॉल्स में हमको बोला गया है कि इनकी एवरेज स्पीड रहती है 15 मीटर पर सेकेंड. तो उसमें क्या हो सकता है? हो सकता है किसी बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो, किसी की 20 मीटर पर सेकेंड हो, किसी की 25 मीटर पर सेकेंड हो, किसी की हो 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे. लेकिन सबकी मिला के जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड. कंजर्वेशन ऑफ स्पीड बता सकते हो? यस बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ स्पीड उसमें रहेगा, बिकॉज सारे कोलिजन कैसे हैं? इलास्टिक हैं. वो तो ये बात बता रहा है कि जब ये स्पीड इसकी कम होगी तो दूसरे की स्पीड ज्यादा होगी, बिकॉज कोलिजन कैसे इलास्टिक. मतलब क्या है कि जो स्पीड है उसका एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन आपस में स्पीड, मान लो ये 5 वाला 10 से टकराया, है ना, ये टकराया इससे, ये आपस में टकराए, तो ये जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ऐसे, तो मान लो 5 वाले की स्पीड 10 हो गई और जो हमारे पास 10 वाला था उसकी स्पीड 5 हो गई, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड चेंज नहीं होगी. और साथ में ये नहीं चेंज होगा, मान लो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे 5 मीटर पर सेकंड वाले, तो जो 5 मीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर सेम रहेंगे, उनका नाम बदल जाएगा. मान लो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, पहले इसकी 5 स्पीड थी, इसकी 10 थी, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ए की स्पीड 10 हो जाए और इसकी 5 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एवरेज स्पीड सेम रहेगी. ये है क्या? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सबको? थ्योरेटिकल पॉइंट जो है सेकंड, एनी डाउट इन सेकंड पॉइंट टिल नाउ? इसको नोट करो. हाँ सेकंड पॉइंट नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर. सबका नोट हो गया? यस वेरी गुड. इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है. थर्ड पॉइंट ध्यान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है.
हाँ जी इधर देखो, थर्ड पॉइंट पे आता हूं मैं. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पीड ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, हेंस यू आर एम एस, यू एवरेज एंड यू एम पी स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस. समझ में आ रहा है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल. बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, मैक्सवेल जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन, अ कर्व बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स एज शोन इन बिलो डायग्राम. ठीक है, जैसे कि नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है ऐसा एक उन्होंने शो किया. यस इट इज अ, इट इज अ न्यू पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री. इट्स अ न्यू पॉइंट प्रणव, इट्स अ न्यू पॉइंट नंबर तीन. ओके गॉट इट. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं ग्राफ करता हूँ? प्लॉटेड के बाद क्या लिखा? कर्व, ये कर्व लिखा है जी, कर्व लिखा है. सर एक मिनट ऊपर करो ना बस. हाँ पहले पहले इस पे ध्यान कर लो, जो मैं बता रहा हूँ ना उस पे ज्यादा ध्यान दो. ग्राफ में बनवा दूंगा, मेरे पास टाइम है काफी. पहले समझना इंपॉर्टेंट है. इधर बताओ क्या लिया था लेफ्ट साइड में, वाई एक्सिस पे क्या लिया? फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. इसको कैसे लिखते हैं? डीएन अपॉन एन. कैसे लिखते हैं इसको? डीएन. डीएन क्या है बताओ? कुछ मॉलिक्यूल्स के नंबर्स. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इधर क्या लिया था? मॉलिक्यूलर स्पीड. तो क्या देखा, ग्राफ कैसा आया? इस तरीके का ग्राफ आया. ध्यान से, इस तरीके का टेम्परेचर टी पे. ये क्या है? मॉलिक्यूलर स्पीड का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ स्पीड. अच्छा बताओ यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है. तो ये जो ग्राफ पे डेटा आ रहा है ये स्पीड क्या देगी? ये वाला, ये पॉइंट क्या दिखाएगा? UMP. अगर बताओ ये UMP है तो इसके बाद बताओ क्या आएगा? U एवरेज आएगा कि URMS आएगा? राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में? तो URMS की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, तो इसके जस्ट बाद में कौन सा वाला आएगा बोलो? U एवरेज. और उसके भी बाद में कौन सा आएगा? यू आर एम एस. क्या ये समझ पाओगे कैसे आया है? हम ये बोलेंगे जो सबसे पीक वैल्यू है यहाँ पे क्या देगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम नंबर. मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो इस पीक पॉइंट से नीचे जाने पे आएगी. ये जो मैक्सिमा है, ये जो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमा जो है इस ग्राफ का जो हाइएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं मैक्सिमा. इससे नीचे आने पे क्या मिल रहा है हमें? यू एम पी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिख लेंगे मैक्सिमा ऑफ द कर्व. क्या देता है बोलो, जल्दी बताओ? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देता है कि नहीं देता है? किस एक्सिस पे देता है? मॉलिक्यूलर स्पीड एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस. ये एक्स मान लो और ये स्पीड वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस पे क्या लिया है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. अच्छा इस जो जो पूरा कर्व है इसका एरिया जो होगा, इसका जो क्या होगा एरिया, वो क्या देगा बोलो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या देगा वो? ये जो एरिया है वो क्या देगा?
ये एरिया क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर मैं इनका फ्रैक्शन निकालूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमेशा, वन। तो हम लिख लेंगे एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज रिमेन्स सेम एज इट डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या बदलेंगे मुझे बताना। ये हमारे पास टी टेम्परेचर पे कोई मॉलिक्यूल है, बताओ मैंने टेम्परेचर राइज किया क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो सेम ही रहेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का समेशन करोगे तो उनका समेशन क्या आएगा, हमेशा सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे डीएन को जब हम समेशन करेंगे, डीएन 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 करके छोटे छोटे, डीएन मतलब क्या है, कुछ मॉलिक्यूल डीएन प्लस डीएन प्लस डीएन ऐसे करते रहेंगे अगर कंप्लीटली जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी एन। फिजिक्स में या मैथ में इसको तुमको पढ़ाया जाएगा। तो अगर इसको पूरा एरिया अंडर द कर्व लिया उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, वन यूनिटी। बट वो हमें नहीं, मैं तुमको उसमें टेक्निकल टर्म्स में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सेम है तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, जब तक कि हम गैस मॉलिक्यूल्स के नंबर अलग से ऐड करके या रिमूव करके चेंज नहीं कर देते। तो ये पॉइंट ढूंढना तुमको आ गया है, यहाँ पे ये पॉइंट तीन ढूंढने हैं। बताओ यूएमपी सबसे लेफ्ट में होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राइट साइड में जाने पर स्पीड्स बढ़ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, यूआरएमएस की। ये बीच वाला जो छोटा पॉइंट है ये क्या दिखाता है, बोलो, ये वाला पॉइंट क्या दिखाता है, ये यू एवरेज। तो ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, जो भी इसमें डाउट्स है पूछो। नोट हो गया थर्ड पॉइंट सर, दो मिनट, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो है तुमको रटा होना चाहिए समझ के। सर आपने डीएन क्या बताया था, डीएन है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन मतलब पार्ट, और एन से डिवाइड करने पे क्या निकल गया उसका रेशियो, है ना। जैसे अगर हमारे पास बोलो 20 मॉलिक्यूल्स हैं डीएन और टोटल मॉलिक्यूल्स 100 हैं तो फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, समझ में आया, 20 अपॉन 100, ओके गुड। तो ये डीएन अपॉन एन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां लिखा है ना मैंने। तो डीएन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन सम U1 to U2, जैसे U1 U2 कुछ ले लिया हमने, जैसे मैं इसमें अगर दिखाऊं कोई एक रैंडम ले लिया, सुनो इधर मान लो ये हमारा क्या है U1 स्पीड, ये स्पीड कितना है, छोटा सा स्ट्रिप काटा, फिजिक्स में पढ़ोगे ये, तो ये जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे इनमें इसका वैल्यू कितना आएगा, डीएन, समझ में आ गया। पर्टिकुलर छोटे से एरिया में, छोटे से U1 U2 के बीच में जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, स्मॉल डी DU, थोड़ी सी स्पीड डिफरेंस में जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको बोलेंगे डीएन। उनका फ्रैक्शन कितना होगा, डीएन अपॉन एन, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट हो गया सबका, तो ग्राफ से दिखाइए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो कि नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये, 4-5 नंबर का सवाल आता है इस पे।
आगे बढ़ाऊं? सर मतलब वो क्वेश्चन पेपर में ग्राफ देते हैं? या अभी दे रहा हूं देखो। ओके सर। सबका नोट हो गया? ये मैक्सिमा क्या बोलता है बताओ? छोटे की। हाँ देवल, देवल कोई तक नहीं है गया इसमें? चला गया वो? हाँ बोलो प्रथमेश, मैक्सिमा क्या बोलता है? सर मैक्सिमा यूएमपी। हाँ मैक्सिमा पे जो नीचे यू बनेगा, मैक्सिमा तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी मिलेगी प्रोबेबल स्पीड, उसके जस्ट बाद वाली जो स्पीड है मतलब थोड़ा बहुत छोड़ के, मतलब अगर इसमें तीन है, तो एवरेज आएगी। और सबसे ज्यादा कौन वाली होगी इन तीनों में? इन तीनों में आरएमएस। क्या इससे ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल नहीं है? है ना, लेकिन उनके नंबर बहुत कम है, है ना? कम है नंबर, बहुत कम। कम वाले भी नंबर कम है, ज्यादा वाले के भी। ज्यादातर स्पीड एवरेज वाले हैं, देखो बीच में है ना काफी ज्यादा एरिया। सबने ग्राफ बना लिया है ना? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस स्पीड और हाई स्पीड आर वेरी लेस। सही बात है कि नहीं? ये बोलो, ज्यादा स्पीड वाले और कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो कैसे पता लगता है? इस एरिया से, इस ग्राफ के एरिया से, वो कम है कि नहीं है? ज्यादा स्पीड वाले भी नहीं है, कम स्पीड वाले नहीं है। कौन सी स्पीड वाले मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं? एवरेज वाले। अच्छा स्पीड कहां से कहां तक लाई कर रही है बोलो? बोलो, जीरो से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। नोट कर लिया सबने? सर हाई स्पीड के बाद क्या लिखा है? आर वेरी लेस, आर वेरी लेस। डाउट्स? यस प्रणव, वेरी गुड। सबका लिख गया? तो ये जो एक मिनट, आप थर्ड का स्टार्टिंग का दिखाओगे? मेरा तब मिस हो गया। हो गया सर। विच इज आरएमएस? सर आपने बोला था कि URMS के आगे जो रहती है वो यूनिटी, सॉरी इन्फिनिटी होती है ये स्पीड। मतलब तो सर उसको आपने वन, सर आपने बोला था ना URMS के आगे जो है वो इन्फिनिटी, मतलब आगे भी रहती है स्पीड पर, बहुत आगे रहती है, ऐसे कोई मतलब ये नहीं है। तो फिर सर आपने उसको वन क्यों माना था? यस यस, हेलो, आपने वन बोला था ना कुछ? हाँ सर। सर आपने कुछ तो वन बोला था ना उसको, ऐसे मतलब क्यों? कौन सा वाला वन? सर URMS के आगे जो है ना, हाँ स्पीड्स, हाँ है वैल्यू है ना ये? हाँ, सर हाँ, हाँ सर तो हाँ, उसके आगे इन्फिनिटी तक है वो? हाँ इन्फिनिटी तक है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो कम होता जा रहा है ना। ओके सर, ये जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे वैलिड है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना ये किस पे वैलिड है? प्रोबेबिलिटी, चांस। देख नहीं पाया है कोई उसको, किसी ने उसको छुआ नहीं है, ऐसा बोला जाता है प्रोबेबिलिटी है ये कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी स्पीड कितनी होगी? इन्फिनिटी। ओके सर, लेकिन उनके नंबर क्या होंगे? बहुत कम होंगे। हाँ ऐसे मान सकते हो कि नहीं होंगे, लेकिन थ्योरी ऐसी बनाई है कि उसमें उनका भी जिक्र आता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन सुनो। ओके सर, विच कैन बी UMP in the graph, ऐसे क्वेश्चन आता है। ग्राफ में UMP क्या है? U1, U2,
यू थ्री कौन सा हो सकता है यू एम पी बोलो U1 हो जाएगा बस हो गया आंसर U1 हो जाएगा ऐसे फिर जो क्वेश्चन आता है जैसे ऐसे क्वेश्चन है आगे आएगा तो बताओ विच टेम्परेचर इज मोर T1 और T2 बोलो T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है T1 देख लो आराम से किसमें मॉलिक्यूलर किसमें URMS वैल्यू बड़ी है UMP वैल्यू किसमें बड़ी है सर T2 फिर टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है T2 ज्यादा है ना बिकॉज स्पीड ज्यादा है T2 में इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब क्या लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ग्राफ किधर जाएगा राइट जाएगा कि लेफ्ट बोलो लेफ्ट लेफ्ट ग्राफ शिफ्ट हुआ है कि राइट टेम्परेचर बढ़ाने पे बोलो राइट राइट यस देखो पहले यहां था T1 पे जब टेम्परेचर बढ़ाया तो किधर चला गया ग्राफ बोलो किधर चला गया राइट में चला गया है ना तो ये याद रखना है इसलिए तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी क्या हो गई बढ़ गई उसकी वैल्यू भी क्या हो गई ज्यादा हो गई समझ में आ गया क्या T1 में बोलो T1 में हाइट तो T2 से ज्यादा है ना तो सर हम मतलब जो है UMP1 उसमें कैसे ज्यादा हो जाएगी क्या ज्यादा है T1 में बोलो बच्चे सर हाइट से तो नंबर ज्यादा होते हैं ना नंबर से क्या मतलब स्पीड बताओ समझ रहे हो यस सर हाँ स्पीड देखना है तुम्हें ना नंबर तो इसमें ज्यादा थे ना लेकिन इसमें घट कर्व क्या हो रहा है फ्लैट जैसे अभी कोरोना वायरस में ना हो रहा है फ्लैटनिंग ऑफ कर्व देखा है ना तो वो इसमें भी पढ़ाई जा ये मैथमेटिक्स है यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वैसे वैसे कर्व फ्लैट होगा मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा जितना ज्यादा हम टेम्परेचर करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाएंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उतने ही है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे ज्यादा लोगों के लिए सेम स्पीड हो ऐसा नहीं होगा है ना वो फ्लैट हो जाएगा कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम रह जाएगी कुछ की बहुत ज्यादा हो जाएगी लेकिन अगर यहाँ यहाँ पे पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले केस में ज्यादा है या बाद वाले में इसकी UMP कैसे निकालोगे इसके पीक से इसकी UMP कैसे निकालोगे इसके पीक से समझ गए पीक दोनों का अलग अलग है ना बच्चे बोलो अब आया समझ में यस सर ओके हाँ थर्ड पॉइंट आफ्टर द ग्राफ देखो तो जिनका हो गया है वो होमवर्क भेजेंगे अपना ठीक है जिनका जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास मिलते हैं ठीक है ओके बोलो चलो बाय बाय एवरीवन अच्छा ये जो नोट कर रहा है वो नोट सर आपकी आवाज चली गई हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जो नोट कर चुका है वो नोट कर ले और सबका नोट हो गया तो इसको हम बंद करते हैं फिर किसी का बचा है सर बाय सर बाय बाय चलो बाय नहीं हाँ यस प्रणव ओके बाय बाय हाँ ठीक है प्रथमेश बाय बाय सब बाय